मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना जो न्यूमेरिकल है उदाहरण के रूप में सर है 15.17 देखिए क्या दे रखा है। 235 एक क्रिया बनाकर दे रखी है, 235 पर न्यूट्रॉन के उपचार के लिए न्यूट्रॉन को सूचित किया गया है। तो क्या बताया गया है, दो तत्वों में विभाजित होता है, एक तो और जीनोन के रूप में हो रहा है 54 जीनोन, जीनोन 140 54 जीनोन 140 प्लस फिर इसके बाद में कौन हो रहा है, अड़तीस स्टोनियम 94 प्लस दो न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हो रही है के लिए मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। के लिए मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। में आपको क्या दे रखा है, इससे संबंधित इनके द्रव्यमान दे रखे हैं, किस किस का दे रखा है देखिए। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दे रखा है, 235 का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 235.0439 एमयू। इसी प्रकार और किसका दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 0.00867 एमयू, ठीक है। जीनोन का द्रव्यमान दे रखा है 40 का द्रव्यमान देखा आपको कितना दे रखा, देखिए 139.905 एमयू, ठीक है। शिव का स्टोनिंग शिव का द्रव्यमान दे रखा है 93.9603। इसका तो मान आपको देखा है 93.9063 एमयू, ये द्रव्यमान देखे और कह रहा है इसके लिए ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए इस मीटर के लिए। तो मुक्त ऊर्जा के लिए सूत्र लिखते हैं, देखिए क्या लिखा जाएगा। मुक्त ऊर्जा जिसको कैपिटल क्यू द्वारा कर रहे हैं, एम यूरेनियम है 235 अभिकारी में, इसी प्रकार एम जो उनका द्रव्यमान है, ठीक है, माइनस क्या क्या घटेगा, जीनोन घटेगा एम ओवन एक्स ई 140 माइनस एम स्टोनियम्स ऐसा 38.94 माइनस एम
ये एम यू स्क्वायर में होगा, ये इसको नौ सौ इकतीस से गुणा कर देना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र है वो अभिकारक और उत्पाद के आधार पर बढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। तो अब इनसे संबंधित इनके द्रव्यमान रखने हैं, तो देखिए कह सकते हैं, मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, देखिए क्यू बराबर तो बानवे यूनिट में 235, तो ये रहा इसका द्रव्यमान 235.04 प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 1.00867 माइनस, इसी प्रकार जिनॉन एक्सी का द्रव्यमान देखिए कितना है, कितना है ये रहा 140.905 माइनस, इसी प्रकार जिनॉन का एस्ट्रोनशियम का द्रव्यमान कितना है, ये रहा 93.9063 माइनस 3 × न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना देखो 1.00867 म्यू से स्क्वायर के स्थान कह ले सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनको हल करते हैं तो क्या आता है, माइनस तीन को सूर्य देता है वो देखिए, इस दो दोनों से इकतीस पूरे को गुणा एक साथ जानना भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये पोस्ट यहाँ पे रह नहीं था ना, करने पर एक साथ क्या लिखा हुआ देखिए, अब तो लोग तो आएगा 0.0353 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू बराबर, तो हल करने पर आएगा लगभग आपके पास है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए आपको कहा गया था कि एक समीकरण दे रखी है, इसके लिए मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको यूरेनियम का द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, जिनॉन का द्रव्यमान दे रखा है, स्ट्रोनियम का द्रव्यमान दे रखा है, तो इससे संबंध आपको क्यू का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपके पास क्या लिखेंगे कि यूरेनियम अभिकारक में यूरेनियम और न्यूट्रॉन है, इनका तो संयोजन कर लीजिए, और इस साइड में जो आपके पास है इसके आधार पर क्या कीजिए, इनसे संबंधित इनके द्रव्यमान है घटा दीजिए, तो ये सूत्र बन जाए नहीं बन जाएगा, ठीक है, सभी के द्रव्यमान की मान रखने हैं और कुछ नहीं है, और हल कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है एक म्यू स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास इसका हल आ गए हैं, ठीक है ना, नॉर्मल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन काफी लंबे हैं, उनका गुणा भाग आप स्वयं कर लीजिए, क्या दे रखा है क्या नहीं, ये कोई देखा है यूरेनियम 235 के एक नाभिक के खंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है,
एक और उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर दे रखा है इसमें कौन सा है, देखिए 15.19 क्या दे रखा है, यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से नाभिक के विखंडन से लगभग दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम 235 ईंधन पर आधारित है। यूरेनियम 235 पर आधारित, यूरेनियम 235 ईंधन पर आधारित आधारित किसी नाभिकीय भट्टी में कितने यूरेनियम 235 नाभिक प्रति सेकंड विघटित होते हैं, कितने यूरेनियम 235 नाभिक प्रति सेकंड होते हैं। नाभिक के भट्टे में कितने यूरेनियम 235 नाभिक प्रति सेकंड होते हैं, यदि भट्टी 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही हो, यदि भट्टी 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है, एक हजार किलो वाट शक्ति उत्पन्न कर रही है तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा दे रखी आपको 1000 किलोवाट दे रखा है, 1000 किलो को दस के 10 की घात 3 वाट में बदलिए, किलोवाट को 10 की घात 6 वाट किया गया ऊर्जा का मान, ठीक है ना। अब ये आपके पास है जूल में, इसमें आ गया जूल में आ गया वाट या किलोवाट को दोनों बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि बदलना चाहें तो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको होता है 1.94 का भाग देना होगा, तो इसी को 10 की घात 6 × 10 की घात 19 अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, जो किसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
स्क्रॉल करोगे 6.5 × 10^5 ये सॉल्व कर सकते हो आप। 10^6 या 10^19 10^25 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्रॉल करेंगे कौन सा टाइम है तो 10 1 0 1 0 आठ कौन कर देंगे तो 100 10 16 10^24 एक आठ यहाँ पर आ गई, ये आ गया 6.25 10^24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें जो ऊर्जा दे रखी थी उसको जोल में बदला, उस जोल को किसमें बदला आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में बदला, ठीक है। प्रति सेकंड विखंडन की संख्या देखनी आपको, तो आपको इतना पता होना चाहिए लोग एक यूरेनियम का जो नाभिक है उसको विखंडित होने पर ऊर्जा प्राप्त होती कितनी है, तो कितनी देर की आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देर की है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक नाभिक है वो विखंडित होने में आपके पास ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, प्रति सेकंड विखंडनों की संख्या प्रति सेकंड खंडनों की संख्या, तो कुल ऊर्जा आपके पास थी ये 6.25 × 10^24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या बोलता है कि आपके पास ऊर्जा थी वो किसी में थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में थी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 200 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संख्या। तो ऊर्जा आपको कुल दे रखी है कितनी है 6.25 × 10^24 उसमें 200 × 10^6 में ये 10^6 से गुणा कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो मात्र क्या हो जाएगा बाहर देंगे ना 10^6 ऊपर जाए माइनस की 24 है ऊपर प्लस की तो 18 बच गई, फिर दो और घात कम कर देंगे 200 है नीचे तो कितनी बच गई 16 बच गई, ठीक है ना। तो ये बच गए 6.25 × 10^16 बार देते हैं 3 बार, ठीक है 1 बार और 2 × 4 × 10^16 तो प्रति सेकंड नाभिकों की जो संख्या होगी वो ये प्राप्त होगी, या विखंडनों की जो संख्या होगी वो ये प्राप्त होगी। तो आपको प्रश्न में दे रखा था कि यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से लगभग एक नाभिक के विखंडन से ध्यान रखना लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कुल ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो रही है वो निकाल लीजिए। तो आपको दे रखी है 10 किलोवाट दे रखी है कुल ऊर्जा, इसको जूल में बदलिए कोई दिक्कत नहीं है, 10^3 × 6 कर दिए किलोवाट को जूल में बदला दो 10^6 जूल, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न में रखी है वो ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं पहले 1.6 × 10^8 माइनस में इसका भाग दे दीजिए हल कीजिए, ठीक है ना। अब प्रति सेकंड नाभिकों की जो संख्या होगी या विखंडन की संख्या होगी वो क्या होगी, तो कुल जो आपके पास ऊर्जा थी उसमें एक नाभिक के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का भाग दे दीजिए, तो कुल आपके पास नाभिक विखंडनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक टॉपिक और पूछा जाता है कैबर्ट बोंद मॉडल, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए जैसे आपने अमीबा विखंडन पढ़ा हुआ वैसे ही दो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने नाभिक के विखंडन के बारे में बताया था, और उसमें नाभिक को आवेशित द्रव बोंद के रूप में माना गया था, इसलिए इस टॉपिक का नाम है द्रव बोंद मॉडल। अगला द्रव है बूंद मॉडल, देखिए एक बोर वेलर दो वैज्ञानिक हुए थे, एक बोर है एक वेलर है,
दो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने क्या होता था नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझाया था कि और वेलर नामक वैज्ञानिक ने द्रवपुंज मॉडल के द्वारा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझाया कि किस प्रकार इसका नाभिकीय विखंडन होता है किसी भी नाभिक का। तो द्रवपुंज प्रतिरूप में नाभिक को गोलाकार आवेशित द्रवपुंज की भांति माना जाता है और वो जो द्रवपुंज होती है आपको पता है आवेशित द्रवपुंज होती है वो एक तो गुलाम बल और कोई अन्य आकर्षण बल जो होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण जो बल होता है उसके कारण क्या है संतुलित अवस्था में होती है ठीक है ना। आवेशित द्रव जो बूंद होती है वो या तो प्रतिकर्षण बल या कूलाम बल के कारण क्या होती है संतुलित अवस्था में होती है। अब बोर और वेलर ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई एक नाभिक है क्या है एक नाभिक इस पर एक मंद न्यूट्रॉन इसके द्वारा एक मंद न्यूट्रॉन का अवशोषण किया गया है तो इसमें क्या है कुछ समय बाद में ये जो न्यूट्रॉन आपने दिया है क्या दिया है न्यूट्रॉन को इसने मंद न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया तो इसके अंदर क्या होगा बहुत गति रूप से क्या होगा कंपन होगा क्या होगा कंपन मतलब ये जो है इसकी इस प्रकार फैलने के लिए कोशिशें करती है ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण क्या इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार डंडाकार रूप धारण कर लेती है ठीक है क्या कर लेती है डंडाकार आकृति ग्रहण कर लेती है और उस समय बाद में क्या होता है कि ये जो आकृति है ये दो समान दो भागों में विभाजित हो जाती है ठीक है ना। तो इस प्रकार द्रवपुंज मॉडल के द्वारा जैसे मान लीजिए नाभिक था इस पर कोई मंद न्यूट्रॉन अवशोषित किया गया इसके द्वारा इसमें क्या है भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसके कारण ये क्या होगा कंपित होगा और जिसके कारण ये डंडाकार आकृति ग्रहण कर लेता है और कुछ समय बाद में ये क्या कर देता है तो अन्य नाभिकों के रूप में विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है द्रवपुंज मॉडल कहा जाता है ठीक है ना। यदि आपको पूछ लिया जाए द्रवपुंज मॉडल है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था तो बोर और वेलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके अनुसार क्या बताया जाता है कि द्रवपुंज प्रतिरूप में नाभिक को गोलाकार आवेशित द्रवपुंज के रूप में माना गया था जिसमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल व कूलाम्ब बल के कारण क्या होती है ये आवेशित जो द्रवपुंज होती है साम्य अवस्था में होती है ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है इसका नाम मान लीजिए जैसे यूरेनियम ही है 92 यूरेनियम 235 है ये मंद न्यूट्रॉन का क्या कर रही है अवशोषण कर रही है क्या करती है अवशोषण करती है जिसके कारण इसमें क्या है जो स्थित ऊर्जा होती है वो उत्तेजन ऊर्जा में बदल जाएगी जिसके कारण क्या होगा इसमें अत्यधिक रूप से कंपन होगा और कंपन के कारण ये क्या है डंडाकार आकृति ग्रहण कर लेती है ठीक है ना। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें लगभग 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ठीक है और ये डंडाकार आकृति ग्रहण करने के बाद क्या है दो समान भागों में ये नाभिक है वो विभाजित हो जाता है ठीक है ना। तो इस प्रकार नाभिक का विखंडन इसमें बताया गया है जिसे बोर और वेलर का द्रवपुंज मॉडल कहा जाता है। अब देखिए बच्चों इसमें तो न्यूमेरिकल कुछ और भी है तो वो आप क्या है इसके आधार पर कर सकते हो यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो भी है कोई हो तो कमेंट में पूछ लेना आप ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी होगा ओके गुड बाय।